हमारे साथ बैठे हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट श्रीकेश कुमार राय, जिनकी यूपी बीसीएस 2021 में रैंक 21 आई थी। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपके फैमिली बैकग्राउंड से, उनका कितना सपोर्ट रहा आपके प्रिपरेशन। देखिए, मैं गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, उसका एक गांव है शेरपुर कला, मैं वहां से बिलोंग करता हूं। मेरे फादर एक किसान है, मेरी मदर एक गृहिणी है। तो जो मेरी जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन हुई है वो गांव से ही हुई है दयागढ़ में। फिर उसके बाद 12th करने के बाद फिर मैं अपने जो एल्डर ब्रदर है मिस्टर राकेश राय, उनके साथ मैं दिल्ली मूव किया और यहाँ से फिर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने कम्प्लीट किया। तो अगर सपोर्ट की बात की जाए तो सपोर्ट में मेरी फैमिली का सपोर्ट बहुत आउटस्टैंडिंग रहा है इस प्रिपरेशन में। थ्रू आउट द प्रिपरेशन मेरे फादर जो हैं वो मेरे लिए बहुत अच्छे इंस्पिरेशन रहे हैं, और जो मेरे एल्डर ब्रदर हैं मिस्टर राकेश है, उनका सपोर्ट तो बहुत ही अच्छा रहा है। और अभी तक मैं मतलब अगर आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ तो जितनी मेरी मेहनत है उतनी उनकी भी मेहनत है। तो फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है। कभी भी फैमिली ने मुझे ये नहीं कहा कि आप जॉब करो, उनका ये कहना था कि आपको जब तक प्रिपरेशन फेज में रहना है या जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाओ कि आपको प्रिपेयर करना है और आपको सिलेक्ट होना है या तो ये तब तक आप प्रिपेयर रहो, इसमें कोई उनकी तरफ से प्रेशर नहीं था कि आप जॉब करो, है ना। तो फैमिली तो बहुत बैकबोन रही मेरे प्रिपरेशन की। तो सिविल सर्विसेज की जर्नी आपकी किस ईयर में स्टार्ट हुई? ये मैंने 2016 में अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट किया। तो वहां से लेके आपके एग्जाम क्वालिफिकेशन तक में क्या अप्स एंड डाउन्स रहे, क्या ऑब्स्टिकल्स रहे आपने जो फेस किया प्रिपरेशन के दौरान? देखिए, सिविल सर्विसेज एक ऐसा एग्जाम है जिसमें कि चैलेंजेस तो बहुत आते हैं। तीन स्टेज का एग्जाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। आप किसी भी स्टेज पे बाहर हो सकते हैं इस एग्जाम में। तो 2016 में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म होता है शुरू में जब कोई भी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, बट धीरे धीरे चैलेंजेस का पता लगता है कि हाँ इतना भी इजी नहीं है एग्जाम। जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्स होते हैं तो वो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की, जनरली जो आईआईटी के जो एग्जाम्स हैं जैसे आईआईटी से ही हो गया या जो मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया था आईआईटी से, तो वो सारे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ये है कि अगर आप प्रिपेयर अच्छे से कर लेते हैं तो देयर इज श्योरिटी दैट यू विल गेट अ रैंक। तो उसमें आई गॉट एन ऑलरेडी रैंक 81 इन आईआईटी एग्जाम 2014 एग्जामिनेशन। लेकिन सिविल सर्विसेज एक ऐसा एग्जाम है जिसमें की कोई सिक्योरिटी नहीं है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा कि नहीं, जिस तरीके का एग्जाम है बहुत ही अनसर्टेन एग्जाम है। तो 2016 में मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन और 2017 में मेरा जो प्रीलिम्स था उसमें सिलेक्शन नहीं होना। देन 2018 ऑनवर्ड्स के से मैंने जितने भी प्रीलिम्स दिए ऑलमोस्ट मेरा सब में सिलेक्शन हुआ, बट मेरी प्रॉब्लम प्रीलिम्स एग्जाम नहीं था क्योंकि मेरा जो एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड है उसमें वो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए बहुत ठीक था, मतलब प्रीलिम्स मेरे क्वालिफाई हो जाता था। मुझे प्रॉब्लम आती थी मेंस उन्हें क्वालिफाई करने में क्योंकि मेंस में आंसर राइटिंग चाहिए होती है और वो एक 8-9 पेपर्स आपको विद इन टाइम फ्रेम लिखना होता है, तो मेंस एग्जाम मेरे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग एग्जाम रहा है इस प्रिपरेशन में। तो जैसे आपने जब 2016 में प्री क्लियर नहीं हुआ, 2017 में प्री क्लियर नहीं हुआ, उसके बाद फिर मेंस भी नहीं क्लियर हुआ, तो आपने डीमोटिवेशन आपको डीमोटिवेटेड फील हुआ होगा जी। तो उस टाइम पे डीमोटिवेशन जब फील हुआ तो उससे कैसे आपने लड़ाई की, और उसके अलावा जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो तमाम डिस्ट्रैक्शंस भी रहे होंगे और सराउंडिंग में, तो फिर आपने कैसे उसको टैकल किया उन डिस्ट्रैक्शन को और डीमोटिवेशंस को? देखिए 2017 में उस टाइम पे प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो 2018 में मैंने काफी ज्यादा प्रीलिम्स के ऊपर मेहनत की थी। तो 2018 में प्रीलिम्स तो हो गया लेकिन उसके बाद फिर मेंस नहीं हुआ क्योंकि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस उतनी ज्यादा की नहीं थी। बट वो 2018 वाला जो अटेम्प्ट था वो मुझे लगता है कि अभी तक का टफेस्ट अटेम्प्ट है, और वो डिमोटिवेशन के हिसाब से क्योंकि मैं काफी ज्यादा डिमोटिवेटेड फील करता था। फिर से मैंने थोड़ा सा फ्रेंड्स फैमिली वगैरह, मतलब उस टाइम पे मैंने ये भी सोचा कि कुछ जॉब वगैरह की जाए,
बाहर चल करके छोड़ देंगे प्रिपरेशन, बट देन माय ब्रदर मोटिवेटेड मी टू कंटिन्यू द प्रिपरेशन, तो मैंने वो प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट किया. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 2019 में देन आई क्वालिफाइड मेंस आल्सो, बट उसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ और फिर ये बहुत बड़ा सेटबैक था. मुझे लगता है कि ये प्रिपरेशन में सबसे बड़ा सेटबैक वही है कि 2019 वाला जो इंटरव्यू था उसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ. तो 2019 वाला जो फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन तो होता ही है. तो फिर मैंने थोड़ा यूपीएससी से अपने आप को डाइवर्सिफाई करने का कोशिश किया कि यूपीएससी को थोड़ा सा साइड में रख करके मैंने थोड़ा यूपीपीएससी सिविल जो वहाँ का स्टेट सिविल सर्विसेज है वहाँ पे फोकस करना स्टार्ट किया. और फिर इस अटेम्प्ट में जो 2021 का जो अटेम्प्ट था उस अटेम्प्ट में मैंने यूपीएससी वाला जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है उसको होल्ड पे रख करके सिर्फ स्टेट सिविल सर्विसेज पे फोकस करके उसको दिया था. और वो एक मेरा जो रिजल्ट है मुझे लगता है कि पॉजिटिव आने की वजह से वो डिसीजन आई थिंक सही रहा. बाकी अगर जो डिस्ट्रैक्शंस की बात की जाए तो डिस्ट्रैक्शंस में मैं किसी सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, मैं फेसबुक वगैरह या इंस्टाग्राम वगैरह चलाता नहीं हूँ. बट प्रिपरेशन के दौरान मैं टेलीग्राम यूज करता था, उस पर बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल होते थे, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं उसमें जो स्टूडेंट्स साथ में तैयारी कर रहे हैं वो आपस में बातें करते रहते हैं, जो डेली के चैलेंजेस हम लोग के होते हैं उसको डिस्कशन होता है उसमें. तो उन लोगों के साथ डिस्कस करके, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके, तो ये प्रिपरेशन जो होती है वो चलती रहती है. ऐसा कोई स्मूथ प्रिपरेशन नहीं होता है, आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे इस प्रिपरेशन के दौरान. ओके, तो डिस्ट्रैक्शन में जैसे सोशल मीडिया का आपने नाम लिया, डिस्ट्रैक्शन और भी तरह के होते हैं जो प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं यहाँ पे लेकिन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं आइदर इन द जॉब और सम इन सम अदर इन द रिलेशनशिप. तो उसमें आप कुछ अपना इनपुट देना चाहते हैं कि उन चीजों से कैसे बचा जाए. और डिस्ट्रैक्शन में आपको ही मैनेज करना पड़ेगा, ये आपकी प्रिपरेशन जो है सोली आपकी है. कोई प्रिपरेशन के दौरान कोई है और फेलियर्स आते गए तो वैसे उनसे सीखने की कोशिश की. और फिर मैं अगली बार जब पेपर देता था तो फिर उन जो ऑब्स्टिकल्स या जो चैलेंजेस मैंने फेस किए थे उनको हटाने की कोशिश करता था, इसलिए ये जर्नी थोड़ी सी मेरी लंबी होगी. ओके, तो जर्नी में आप एक जनरल आइडिया दे सकते हैं कि कितने से कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे, स्पेशली वो वाला फेज जिसमें आपने क्वालिफाई किया हुआ. देखिए स्टडी आवर की अगर बात की जाए कि कितने घंटे पढ़ाई करते तो इसका कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं है कि आप इतने घंटे पढ़ाई करके निकाल सकते हैं इस एग्जाम को. डिफरेंट डिफरेंट टॉपर्स या डिफरेंट डिफरेंट लोगों की कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग लोग पढ़ाई करते हैं. मेरा ये था कि मैं दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ने की कोशिश करता था और वो 8 से 10 घंटे ऐसे होते हैं कि अगर आप 12 घंटे पढ़ते हैं तो आपके 8 से 10 घंटे निकल पाते हैं इफेक्टिवली. तो उसको लेकर के चलना पड़ता है. मिनिमम मेरे को लगता है कि 8 to 10 hours स्टडी इज इनफ फॉर दिस एग्जामिनेशन. और प्रिपरेशन के टाइम प्रीलिम्स के मेंस के जो मेजर रिसोर्सेज थे आपके वो क्या क्या थे. देखिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों का जो पैटर्न है यूपीएससी और यूपीपीएससी का वो ऑलमोस्ट अभी सेम चल रहा है. ठीक है, तो प्रीलिम्स लेकिन होता क्या है कि जो उनका पढ़ने का जो अप्रोच है वो थोड़ा सा डिफर कर जाता है. प्रीलिम्स में अभी क्या चल रहा है कि प्रीलिम्स में जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का पेपर आता है वो बहुत थोड़ा सा एनालिटिकल पेपर आता है, उसमें आपको एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड की आवश्यकता होती है. लेकिन जो यूपीपीएससी का प्रीलिम्स आता है उसमें वो थोड़ा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की तरफ टेंडेड है. तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मेरा क्या था कि मेरा बैकग्राउंड यूपीएससी सिविल सर्विसेज ही फोकस रहा था. तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज में प्रीलिम्स मेरे लिए क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता नहीं, जनरली प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता था. बट यूपीपीएससी में क्या है कि यूपीपीएससी का जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जब मैंने स्विच किया यूपीपीएससी की तरफ थोड़ा सा प्रिपरेशन तो उसमें थोड़ा चैलेंजिंग था फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को याद करना जो कि हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज जनरली इग्नोर कर लेते हैं. तो एक ये अप्रोच में डिफरेंस आता है. बाकी अगर रिसोर्सेज की बात की जाए तो प्रीलिम्स के लिए जो बेसिक बुक्स होती हैं वो बहुत ज्यादा मतलब अच्छे से कमांड में होनी चाहिए. और वो अच्छे से कमांड का मतलब ये है कि आपको अगर उससे क्वेश्चन दिया जाए, उस किताब से क्वेश्चन दिया जाए तो क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए. अगर बाहर से क्वेश्चन आते हैं तो उसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, बट किसी स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन आते हैं
तो उससे फिर आपका क्वेश्चन अगर छूटता है तो फिर यू आर एट द डिसएडवांटेज। ठीक है, तो अगर बुक लिस्ट की बात करें तो बुक लिस्ट में सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में एंशियंट एंड मेडिवल इंडिया यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में काफी अच्छा वेटेज लगता है। तो उसके लिए जो बेसिक रीडिंग होती है वो मैंने तमिलनाडु पे एक एनसीईआरटी आती है 11th क्लास की, उससे बेसिक स्टडी करी थी, जिससे आपका एक जो बेसिक नॉलेज होता है एंशियंट एंड मेडिवल इंडिया का वो क्लियर हो जाता है। बाकी जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आती है तो जब भी एग्जाम पास आता है तो उसमें बहुत सारे मैगजीन्स ये जो इंस्टीट्यूट्स निकालते हैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए, तो उसको रेफर करके मैंने वहां से फैक्चुअल डेटा वगैरह कलेक्ट करके अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, और वहां से फिर एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया हो जाता है। कमिंग टू मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया के लिए एक ही अच्छी किताब है, किताबें तो बहुत सारी हो सकती हैं, बट जो स्टैंडर्ड बुक है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एंड ऑल्सो फॉर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स वो है स्पेक्ट्रम। वो बुक आपको लाइन बाय लाइन पढ़नी है और वो बुक आपको इंटरनलाइज होनी चाहिए। थोड़ी सी बल्कि बुक है बट वो काफी अच्छा उसका वेटेज रहता है प्रीलिम्स के एग्जाम में, और वहां से क्वेश्चंस अगर आप सही करते हैं तो आप एडवांटेज के जरूर रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है यूपीपीसीएस के अंदर वो है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के अंदर जो बेसिक स्टडी है वो 11th क्लास की दो एनसीईआरटीज है, नई वाली एनसीईआरटीज वो है, एक फिजिकल ज्योग्राफी है एंड एक फिजिकल एनवायरमेंट ऑफ इंडिया है। बट यूपीएससी के अंदर इन दोनों बुक से काम चल जाता है, लेकिन यूपीपीएससी के अंदर आपको फैक्चुअल डेटा चाहिए तो फैक्चुअल डेटा ज्योग्राफी के लिए मैंने ल्यूसेंट की बुक आती है उसमें से उठाए थे। ल्यूसेंट के जो स्पेसिफिक जो टेबल्स बने हुए हैं किसी भी, जैसे मान लीजिए वोल्केनिज्म पे एक टेबल है कि वोल्केनोस कहाँ कहाँ है, या वर्ल्ड के वाटरफॉल्स कहाँ है, इंडिया के अंदर वाटरफॉल्स कहाँ है, जो डिफरेंट मिनरल्स हैं उनके जो माइंस का नाम है, तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स बने हुए ल्यूसेंट की बुक में चैप्टर के लास्ट में। तो अगर आप अलॉन्ग विद द एनसीईआरटी अगर आप उन जो टेबल्स हैं उनको अच्छे से कर लेते हैं तो यूपीपीएससी के अंदर जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आती है वहां से वो बहुत अच्छे से कैटर हो जाता है। देन द फोर्थ सब्जेक्ट इज पॉलिटी। पॉलिटी के अंदर क्या है कि पॉलिटी के अंदर एक ही किताब है जो कि सब लोग फॉलो करते हैं, वो है लक्ष्मीकांत। उससे ज्यादा ऊपर जाने की आपको जरूरत नहीं है, और यूपीपीएससी के अंदर उससे ज्यादा ऊपर आता है, इवन यूपीएससी के अंदर भी नहीं आता है जनरली। तो वो बुक जो होती है वो बहुत ही स्टैंडर्ड सोर्स है, आप उसको अच्छे से करिए तो वहां से हो जाता है। देन यूपीपीएससी के अंदर एक मेजर पोर्शन आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो उसके अंदर 20-25 क्वेश्चंस आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूपीपीएससी में, और ये मेजर डिफरेंस है यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में और यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में, क्योंकि यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में क्या है कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादातर टेक्नोलॉजी रिलेटेड होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, जीन थेरेपी वगैरह, है ना, जीनोम टेक्नोलॉजी, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और वो एनालिटिकल होते हैं। बट यूपीपीएससी में बेसिक साइंस पूछी जाती है, बेसिक साइंस की ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है, ये एसिड है कि बेस है, ना, तो उस हिसाब से यूपीएससी सिविल सर्विसेज हम लोग पढ़ते नहीं। बट चूंकि मेरा बैकग्राउंड साइंस में काफी स्ट्रांग रहा है पहले से, तो साइंस में मेरे को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत तो नहीं पड़ी, लेकिन जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है और वो जो फैक्चुअल जो जैसे इंस्ट्रूमेंट्स पूछ लिए जाते हैं यूपीपीएससी के अंदर, वो मैंने ल्यूसेंट की ही बुक से, वही जो पीछे चैप्टर के जो टेबल्स दिए हुए वहां से कवर करने की कोशिश की। ठीक है, और जो लास्ट पोर्शन इसमें इंपॉर्टेंट यूपीपीएससी के प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स है, जिसमें कि 30-35 क्वेश्चंस आते हैं और वो मेक और ब्रेक हो सकता है। तो करंट अफेयर्स आपने कहाँ से प्रिपेयर किया था और कौन-कौन सी बुक्स आपने रेफर करी थी अपने प्रिपरेशन फेज में? देखिए, जो करंट अफेयर्स है वो यूपीपीएससी के अंदर 30-35 क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स के अंदर, तो उन 30-35 क्वेश्चंस वो आपके लिए मेक और ब्रेक का काम कर सकते हैं, स्पेशली प्रीलिम्स के अंदर बहुत ज्यादा क्रूशियल है करंट अफेयर्स यूपीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता था, वो मेरी जो ये न्यूज़पेपर वाली जो एक हैबिट है वो बहुत पहले से है, मैं जब गांव में पढ़ता था तब भी मैं न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से पढ़ता था, और वो फॉर्चुनेटली वो जो हैबिट है वो अभी तक कॉन्टिन्यूसली रही है। तो न्यूज़पेपर पढ़ने से आपका क्या रहता है कि एक ब्रॉड टॉपिक्स जो होते हैं वो आपके माइंड में होते हैं, कि ब्रॉड जो इंटरनेशनल रिलेशंस या साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो भी ओरिएंटेड ये चीजें हैं तो उनके अंदर जो ब्रॉड एरियाज हैं उन पे क्या चल रहा है। ठीक है, बाकी जो फैक्चुअल चीजें हैं जो कि यूपीपीएससी के अंदर पूछी जाती हैं
उसमें मैंने घटनाचक्र की एक बुक आती है ई दृष्टि करके, वहां पे यूपीपीएससी करंट अफेयर्स के लिए, तो वो रेफर किया था। उसके अलावा मैंने जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स भी मैं साथ में देता था, तो उसका जो मैं मटेरियल प्रिपेयर करता था वो भी मैं यूपीपीएससी प्रीलिम्स के पहले जाने से पहले पेपर में मैं उसको रिवाइज कर लिया था। उसके अलावा कुछ मैंने जो ये आपका जो सिविल नोटबुक है उसका जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भी बहुत सारे इनपुट्स आते रहते हैं, तो एक बार रात को अगर आप स्क्रॉल डाउन उसको कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि जो दिन भर आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है मैगजीन्स में पढ़ा है तो वो सारे जो आपका जो टॉपिक है वो इंटरनलाइज हो जाता है और कहीं ना कहीं वो सब कॉन्शियस माइंड में रहता है और डायरेक्टली फिर वो प्रीलिम्स में जरूर हेल्प करता है। ओके, तो आपने इकोनॉमिक्स का जैसे बजट वगैरह जो आते हैं इकोनॉमिक्स सर्वे आते हैं वो समरी आपने खुद पढ़ के उन्हें बनाई थी या फिर आपने किसी सोर्स को रेफर किया इकोनॉमिक्स के लिए? अगर स्पेसिफिकली अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स यूपीपीएससी पीएससी के प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं करती है, हार्डली 8-10 क्वेश्चंस आते हैं यूपीपीएससी के प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स से। फिर भी आपका जो बेसिक है अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन पहले से करते हैं तो ऑब्वियसली वो क्लियर रहता ही है इकोनॉमिक्स के लिए। तो बेसिकली अगर मैं कि इकोनॉमिक्स में मैंने ब्रूनो सर का पढ़ा था और वहीं से वो यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज का जो इकोनॉमिक्स हमारा बैक जो फाउंडेशन था उसको अप्लाई करता था मैं यूपीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए। कुछ जो फैक्चुअल डेटा है वो यूपी उत्तर प्रदेश के बजट से रिलेटेड या इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड, तो वो जो घटनाचक्र की दृष्टि के मैगजीन आती है उसमें वो अच्छे से कवर होता है, तो अगर आप उसको गो थ्रू भी कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेगा। ओके, तो आप ये बता सकते हैं हमारे एस्पिरेंट्स को जो अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, जो नए हैं इसमें इंटर कर रहे हैं प्रिपरेशन में और जिन्होंने अटेम्प्ट जो एक या दो अटेम्प्ट ले चुके हों आइदर प्रीलिम्स का या मेंस का, उनको कैसे प्रिपरेशन अपनी आगे कंटिन्यू करनी चाहिए या शुरू करनी चाहिए? तो जो स्टूडेंट्स अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए क्या है कि वो सबसे पहले तो आप सिलेबस देखिए, सिलेबस जो होता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज का और यूपीपीएससी का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट अभी सेम हो गया है, कंप्लीटली सेम हो गया है मेंस के अंदर, ठीक है। प्रीलिम्स के अंदर भी वो सिलेबस सेम है लेकिन जो पेपर आता है उस पेपर का पैटर्न थोड़ा सा यूपीएससी सिविल सर्विसेज और यूपीपीएससी में अलग होता है। तो जो लोग अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए तो ये सजेशन है कि सबसे पहले आप सिलेबस देखें और जो भी बुक लिस्ट आप जो मैं बताता हूँ या कोई भी अगर अदर टॉपर्स बताते हैं वो जनरली सिमिलर बुक्स होती है, उन बुक्स को सबसे पहले क्लियर करें। आपका जो बेसिक जो मटेरियल है जैसे एनसीईआरटीज वगैरह है या जो स्पेक्ट्रम वाली किताबें या जो पॉलिटिक लक्ष्मीकांत है वो काफी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए बिफोर यू एंटर इनटू द इंटेंस फेज ऑफ द प्रिपरेशन। तो वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप अपने बेसिक्स पे काम कीजिए, आप विदाउट बेसिक्स अगर आप बहुत ज्यादा एडवांस स्टडी करने लगेंगे तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा। बाकी जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्रिपरेशन फेज में हैं और एक या दो अटेम्प्ट दे रहे हैं तो उनको अपना खुद एनालाइज करना पड़ेगा कि उनका मेंस वाला पोर्शन वीक है या प्रीलिम्स वाला पोर्शन वीक है। जैसे मेरा क्या था कि मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक मेंस एग्जामिनेशन था, प्रीलिम्स जनरली हो जाता था, तो मैंने अपनी प्रिपरेशन को ऐसे ट्विक किया कि मैं मेंस एग्जामिनेशन वाले सिलेबस पे ज्यादा फोकस करता था एज कम्पेयर टू प्रीलिम्स वाला, और प्रीलिम्स में जब प्रीलिम्स बहुत ज्यादा नजदीक आता था तभी मैं प्रीलिम्स पे फोकस करता था। तो उनके लिए यही है कि अपने जो वो जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं या जो उनकी प्रिपरेशन के अंदर उनकी जो इश्यूज हैं वो तो वो खुद जानते हैं तो उसको जरूर एनालाइज करना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ब्लाइंड प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए क्योंकि ब्लाइंड प्रिपरेशन करने से क्या होता है कि इसमें आप अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते जाते हैं आपका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है मान लीजिए, तो प्रीलिम्स अगर नहीं हो रहा है और ब्लाइंडली आप अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते जा रहे हैं तो उससे क्या होता है कि आपका आपके ऊपर मेंटल प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, सोसाइटल प्रेशर भी बढ़ता है। तो इसमें यह है कि आप अपनी तैयारी को एनालाइज करते रहिए कि आपका लेवल क्या है और एग्जाम का लेवल क्या है। अगर वो एग्जाम का लेवल बहुत ज्यादा डिफरेंस है और आपके लेवल में तो फिर आपको थोड़ी स्ट्रेटेजी जो है वो थोड़े कंप्लीटली मतलब ओवरहॉल करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है आपका मेंस कुछ नंबर से रह रहा है तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तो उसमें यह है कि आप अपने जो मिस्टेक्स हो रही हैं छोटी छोटी चीजें या किसी पेपर के अंदर कम मार्क्स आ रहे हैं तो उस पेपर पे आप वर्क करके उन सब चीजों को ओवरकम कर सकते हैं एंड देन आपका जो प्रिपरेशन है फिर वो स्मूथली चलेगा। तो प्रिपरेशन
एडमिशन में आपने कितनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी और कैसे अपने मॉडल्स आंसर प्रैक्टिस करते थे? अगर चेक करते थे तो खुद करते थे या ग्रुप में फ्रेंड्स में सर्कल में चेक करवाते थे? तो प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए अलग अलग टेस्ट सीरीज होती है। जनरली मैंने यूपी पीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज नहीं लगाई थी, लेकिन जो मेरी प्रीलिम्स की नॉलेज है और जो मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स दिया था पहले से, तो उसके लिए मैंने मार्केट से विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज लगाई थी। तो वो जो टेस्ट सीरीज होती है उसमें क्या होता है कि 30-35 टेस्ट होते हैं और वो सिलेबस के ऑलमोस्ट हर एरिया को कवर कर लेता है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि प्रीलिम्स में आप कोई सा भी टेस्ट सीरीज उठा लीजिए, किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट की उठाइए। उससे क्या होता है कि क्वालिटी कंटेंट आपको मिल जाता है, तो वहां से आपकी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है। यूपीपीएससी के लिए मैंने स्पेसिफिकली किया था कि उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है लास्ट 10 ईयर से, तो उसको बहुत अच्छे से कर लिया था जस्ट बिफोर द एग्जाम। बाकी मैंने स्पेसिफिकली यूपीपीएससी के लिए कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगाई थी। जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जो मेरी नॉलेज है प्रीलिम्स, वहीं से वो कैरी फॉरवर्ड करके उसके एक शॉर्ट नोट रिवाइज करके वो मैंने यूपीपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था। रही बात मेंस के लिए, तो मेंस में टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज मेंस में है। तो मेंस के लिए मैंने फोरम आईएएस की टेस्ट सीरीज लगाई थी लास्ट ईयर, जो कि यूपीपीएससी प्रीलिम्स और यूपीपीएससी मेंस और यूपीएससी मेंस दोनों के लिए थी। तो अभी जो सिलेबस है वो दोनों का ओवरलैप करता है और ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन पैटर्न्स है वो यूपीपीएससी का यूपीएससी की तरफ ही जा रहा है। तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसकी भी कोई टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको यूपी स्पेसिफिक कोई टेस्ट सीरीज लगाने की जरूरत है। बस आप उसमें यूपी वगैरह के जो डेटा वगैरह है, फैक्ट्स है, मैथ्स है, वो इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, तो आपने अभी बताया कि फैक्ट्स मैथ्स, उनकी प्रैक्टिसेस आप कैसे करते थे, कैसे याद करते थे उन फैक्ट्स को, और मैथ्स अगर होते थे तो मैथ्स की प्रैक्टिसेस कैसे करते थे? तो प्रैक्टिस करने के लिए एक तो ये होता है कि आपका जब बेसिक नोट प्रिपेयर हो जाता है मेंस एग्जामिनेशन का, तो उसके बाद आपको ये वैल्यू एडिशन में ये चीजें जो है फैक्ट्स फिगर्स डेटा फ्लो चार्ट, तो ये सब ऐड करनी चाहिए। तो उसके लिए मेरा रूममेट है प्रियम, उसके साथ हम दोनों ने मिल करके जो डेटा वगैरह है वो टॉपिक वाइज इकट्ठा कर लिए थे हम लोगों ने। उसके उसमें जितने भी फैक्ट्स आने चाहिए, जैसे वुमेन से रिलेटेड है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट उनका कितना है, या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितनी है, लिटरेसी रेट कितनी है, तो ये जो बेसिक जो डेटा है वो हम लोगों ने बैठ करके एक साथ इकट्ठा कर लिए थे उसको। और बाकी भी जितने भी इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट होते हैं, मैप्स होते हैं, यूपी रिलेटेड जो स्पेसिफिक मैप्स होते हैं, वो भी हम लोगों ने साथ में बैठ करके उसको इकट्ठा कर लिया था। तो उससे उस डेटा को ही लास्ट रिवाइज करके हम लोग चले जाते थे और उससे हम लोगों को मेंस में काफी बेनिफिट मिला। तो आपने यूपी स्पेशल कैसे कवर किया था? देखिए, जो यूपी स्पेशल है वो उत्तर प्रदेश जो यूपी बीसीएस का प्रीलिम्स है उसके अंदर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हार्डली 7-8 क्वेश्चन आते हैं, वो आपकी बेसिक स्टडीज से हो जाते हैं। बट जो यूपी स्पेशल जो मेन्स में क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि प्रीलिम्स में जब आप पढ़ेंगे यूपी स्पेशल थोड़ा बहुत, तो प्रीलिम्स के लिए मैंने वही घटना चक्र वाली जो बुक है, एक नो योर स्टेट करके बुक आती है घटना चक्र की, एक पतली सी किताब आती है, आप उसको वहां से कर लेंगे तो आपको यूपी की जो फैक्ट्स है, डेटा है, मैप्स है, वो वहां से कवर हो जाते हैं। और स्पेसिफिकली मेंस में भी 2021 मेंस से पहले घटना चक्र ने 4 GS की जो बुक्स है वो निकाली थी, तो उसमें जो फर्स्ट जो GS1 का जो पोर्शन था उसमें यूपी रिलेटेड बहुत सारे अच्छे अच्छे मैप्स थे, बहुत सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। तो मुझे लगता है कि आप यूपी स्पेशल के लिए अगर घटना चक्र फॉलो करते हैं तो वहां से क्वेश्चंस आपके मिल जाएंगे। आपने इतने सारे प्रीलिम्स क्लियर किए यूपीएससी के, यूपीपीसीएस के, तो प्रीलिम्स पेपर में कोई अलग से स्ट्रेटजी आपकी रहती थी कि ये पीसीएस की स्ट्रेटजी है, ये यूपीएससी की स्ट्रेटजी है, या फिर सेम स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हैं? देखिए, प्रीलिम्स एग्जाम में होता क्या है कि ऑल्दो यू हैव स्टडीड अ लॉट, आपने साल भर मेहनत की है, सारी बेसिक्स बुक्स जो है आपने कमांड की है, आपने टेस्ट पेपर लगा लिए हैं, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लिए हैं, तो ये तो मिनिमम करना ही होता है। बट इश्यू क्या हो रहा है कि अभी जो प्रीलिम्स आ रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी का प्रीलिम्स हो या यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स हो,
वो अभी काफी डिफिकल्ट होते जा रहे हैं ईयर बाय ईयर। तो उसके लिए क्या होता है कि पेपर में जब आप जाते हैं तो उसका जो जो पेपर का लेवल होता है सबसे पहले उसको समझते हैं। जैसे यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का पेपर होता है वो बहुत ज्यादा एनालिटिकल होता है, ज्यादातर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो वहां पे अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो वहां पे आप एनालिटिकल माइंड लगा करके और उन क्वेश्चंस को निकालते हैं। तो ये तो एक बेसिक डिफरेंस हो जाता है। यूपीपीसीएस का जो प्रीलिम्स है वो फैक्चुअल की तरफ टिल्ट होता है। तो उसमें जो डेटा फैक्ट्स आपके जितने याद रहते हैं आप सबकॉन्शियस माइंड का यूज करते हैं, लॉजिक भी ऑफकोर्स यूज करते हैं। अगर आप यूपी का जैसे मैप अगर पता है कि आपको नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सदर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट किधर है, तो अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं तो आप उनको उस लॉजिक लगा करके भी सॉल्व करते हैं। बाकी जो स्ट्रेटेजी रहती है मेरी प्रीलिम्स में कि अटेम्प्ट कितने क्वेश्चन करने हैं, तो मेरा एक ही स्ट्रेटेजी है कि चाहे वो 100 क्वेश्चन का पेपर हो जो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज में आता है, या 150 क्वेश्चन का पेपर हो जो कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में आता है, मैं 10 से ज्यादा क्वेश्चंस मतलब छोड़ता नहीं। जैसे कि अगर यूपीएससी सिविल सर्विसेज में 100 क्वेश्चंस आते हैं तो मैं मिनिमम 90 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आता हूँ। ठीक है, स्पेसिफिकली अगर बोले जाए तो मैं ट्राई करता हूँ कि 94-95 पहुंच जाए, और यूपीपीएससी में भी अगर 150 क्वेश्चंस आते हैं तो मैं 140 के अराउंड ट्राई करता हूँ कि मैं उसको किया जाए। मैं क्वेश्चंस सिर्फ वही छोड़ता हूँ जो बिल्कुल मतलब जिन पे ना तो लॉजिक लगता है, जिन पे ना तो मेरी मुझे पता है कि कोई इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो क्वेश्चंस आप ऐसे ना छोड़ें प्रीलिम्स के अंदर, क्वेश्चंस मैक्सिमम अटेम्प्ट करें। होता क्या है कि आप अगर मैक्सिमम क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करने जाते हैं तो आपके 10 में से 3 क्वेश्चन जनरली गलत हो ही जाते हैं, क्योंकि सबको 100% इन्फॉर्मेशन नहीं होती। फिर वो कुछ कुछ पेपर के अंदर अगर मान लीजिए कुछ अगर लैंग्वेज उसकी सही नहीं है तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो जो गलत क्वेश्चन है उनको फिल्टर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और उसके लिए आपको मुझे लगता है कि 140 यूपीपीसीएस के अंदर तो अटेम्प्ट करना चाहिए। तो आपने इतने सारे प्रीलिम्स क्लियर करे, तो मेंस एग्जाम में चाहे वो यूपीएससी का मेंस एग्जाम हो या यूपीपीसीएस का मेंस एग्जाम हो, तो दोनों में डिफरेंस क्या रहता है एग्जाम? देखिए, जो यूपीएससी का मेंस एग्जाम है वो यूपीएससी का जो मेंस एग्जाम है उसमें क्वेश्चंस का लेवल हाई होता है। जो यूपीपीएससी का मेंस एग्जाम है उसमें क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा नीचे रहता है। हालांकि जो यूपीपीएससी है वो भी अभी यूपीएससी के लेवल को टच कर रहा है अभी धीरे धीरे, लेकिन फिर भी अगर उनको अप्रोच की बात की जाए तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज जब भी हम लोग अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम इंडिया से रिलेटेड डेटा लिखते हैं, या कोई भी अगर मान लीजिए अगर वुमेन के इश्यू पे कुछ पूछा गया है तो वो हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से लिखते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल डायमेंशन से लेकर के लिखते हैं। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन अगर यूपीपीएससी के मेंस में आता है तो उसमें अलॉन्ग विथ इंडिया यूपीएससी जो यूपी का जो डेटा है या यूपी से रिलेटेड जो फैक्ट है वो अगर आप इंक्लूड करते हैं तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ कि जैसे वेमेन रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वेमेन इन द इंडियन सोसाइटी जनरल स्टडीज 1 के अंदर, तो जब हम लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज में इसको लिखते हैं तो हम लोग इंडिया के पर्सपेक्टिव से लिखते हैं, उसका डेटा बनाते हैं, उसका मैप बनाते हैं कि हाँ साउथ इंडिया के अंदर हमारे जो वेमेन का स्टेटस है वो अच्छा है, जो नॉर्थ इंडिया है उसके अंदर जो वेमेन का स्टेटस है वो उतना अच्छा नहीं है जितना अभी होना चाहिए। बट अगर आप यूपीपीएससी में ही वही सेम क्वेश्चन आ जाता है और अगर आप यूपीपीएससी में आंसर लिख रहे हैं तो अलोंग विद इंडिया डेटा यू हैव टू आल्सो इंक्लूड द उत्तर प्रदेश डेटा। ठीक है, उससे एग्जामिनर को ये लगता है कि यू आर समवेयर अटैच्ड विद द स्टेट, और उससे हालांकि ये यूपी का पेपर है ना तो उसमें ये लगता है एग्जामिनर को कि हाँ उत्तर प्रदेश का पेपर लिख रहे हैं, ना कि आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज से डायरेक्टली आकर के यहाँ पे पेपर लिख रहे हैं। तो अभी तक हमने बात की स्ट्रेटेजी पे, प्रीलिम्स के पेपर्स पे, अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम मेंस के स्ट्रेटेजी और पेपर्स पे। तो यूपीपीसीएस के मेंस में आपने जनरल हिंदी की कैसे प्रिपरेशन करी, क्या सोर्सेज यूज करे और कैसे प्रैक्टिस करी मेंस? देखिए, जो जनरल हिंदी का पेपर है यूपीपीसीएस के एग्जाम में वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में नहीं है, और वो इंग्लिश मीडियम से अगर आप पेपर लिखते हैं तो वो एक थोड़ा सा चैलेंजिंग पेपर भी है, और 150 मार्क्स का पेपर आता है जिसमें कि आपको अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छी रैंक बनानी है। तो उसके लिए क्या था कि जब 2018 का मैंने यूपीपीसीएस का मेंस दिया था तो उस पर मैंने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, और वो मेरा वन ऑफ द रीजन था कि जो मुझे इंटरव्यू कॉल उस टाइम पे नहीं आई थी।
बट इस टाइम पे क्या किया था कि मैं और मेरे दोस्त हैं शशि शेखर, जिनकी रैंक 7 है इसी यूपीपीसीएस एग्जाम में, तो हम दोनों ने कोलैबोरेशन करके यूपीपीसीएस की हिंदी प्रिपेयर की थी। और प्रिपरेशन मैंने एक शिल्पी की बुक आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की हिंदी की, तो उसी के अंदर जो भी पैसेजेस थे, उसी के अंदर जो जो भी क्वेश्चंस थे, जो मुहावरे आते हैं, जो जनरली जो ग्रामर का पोर्शन आता है, तो जितने 20 इयर्स में वो ग्रामर का जो क्वेश्चन आया है, जो भी विलोम शब्द आया है, उनको एक जगह लिख लिया, फिर उसको बार बार रिवाइज करते थे। और हम लोग डेली हिंदी का एक पैसेज जरूर लिखते थे उसमें, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। तो उससे क्या था कि एक हिंदी का फ्लो हम लोगों का बहुत अच्छा हो गया था जब तक एग्जाम आया। और हिंदी के बाद एसए की कैसे आपने प्रिपरेशन करी, क्या क्या सोर्सेज यूज करे उसके? देखिए, एसए का यूपीपीसीएस के लिए मैंने कोई बहुत ज्यादा स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं करी थी। एसए में मेरे यूपीएससी मेंस के अंदर भी मतलब अच्छे मार्क्स, अबव एवरेज मार्क्स उसमें आते हैं। जैसे लास्ट ईयर यूपीएससी मेंस के अंदर मेरे 133 मार्क्स थे। तो एसए के लिए मैंने बहुत ज्यादा स्पेसिफिक यूपीपीसीएस के लिए नहीं पढ़ा। हाँ, यूपीएससी के लिए जो एसए का पेपर होता है उसमें, उसके लिए मैंने बहुत अच्छी मेहनत की है। उसके लिए मैंने जब मैंने पहला मेंस दिया था तो उस टाइम पे ही विकास रंजन के यहाँ, विकास रंजन सर ट्राइंग फाइल्स, तो उनसे मैंने एसए की क्लास ली थी और टेस्ट सीरीज ली थी। तो वहां से जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो ग्रेड हुआ एसए के ऊपर जो, तो वो यूपीपीसीएस का जो एसए का पेपर आता है वो स्मूथली हो जाता है, उसमें बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं आती। और एसए के बाद जीएस की स्ट्रेटजी क्या रही आपके सारे जीएस पेपर्स के मेंस में? मेंस के अंदर मेरी स्ट्रेटजी जनरल स्टडीज के पेपर में ये रहती थी कि सबसे पहले तो आपके जो मेंस के जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं उसमें आप पूरे हर टॉपिक में आपका जो एक से डेढ़ पेज का जो नोट्स होता है, ये हर टॉपर बताता है कि आपको एक डेढ़ पेज के नोट्स होने चाहिए हर टॉपिक के ऊपर, बट जनरली हम वो नोट्स प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, इतना बड़ा सिलेबस है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज रेफर करके पढ़ते हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है और बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है। बट अगर आप उसको कर लें, आप हर एक टॉपिक पे एक से डेढ़ पेज या दो पेज के नोट्स अच्छे से बना लें, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है रिविजन के टाइम में। तो पहले की जो मैंने यूपीएससी मेंस दिए हुए थे उसमें बहुत सारे मतलब बहुत अच्छे नोट्स मेरे पास थे नहीं, बट लास्ट ईयर जब मैंने यूपीपीसीएस के लिए स्पेसिफिकली जब पढ़ना शुरू किया था तो मैंने सारे टॉपिक्स पे शुरू से खुद से नोट्स बनाए हैं। और अभी जो मेंस मैंने यूपीएससी मेंस 2022 दिया था तो उसमें मैंने मतलब सिर्फ अपने नोट्स रेफर किए थे, कोई बुक वगैरह रेफर नहीं की थी। तो स्ट्रेटजी यही है कि आप हर टॉपिक पे हर जीएस के पेपर से सिलेबस निकाल करके हर टॉपिक पे एक से दो पेज का नोट्स बनाएं, और पेपर के अंदर जब आप जाएं तो ट्राई करें कि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। अगर 20 क्वेश्चन है तो आपका पेपर कंप्लीट होना चाहिए, अदरवाइज अगर पेपर कंप्लीट नहीं होता है तो फिर यू आर एट योर डिसएडवांटेज। ओके, तो जीएस में आंसर राइटिंग के दौरान वो जो भी सवाल प्रैक्टिस करते थे आप या एग्जाम में आते थे उनमें जो भी फैक्ट्स आप डालते थे उनको कैसे आप याद रखते थे उस स्पेसिफिक, जैसे लेट अस सपोज कि इकोनॉमी पे कोई क्वेश्चन आ जाता है या किसी रिपोर्ट को आप साइट कर रहे हैं तो उस रिपोर्ट के फैक्ट्स को कैसे आप रिकलेक्ट इजीली कर पाते थे मेंस आंसर राइटिंग? देखिए, होता क्या है कि यूपी जब भी आप मेंस एग्जाम देखते हैं तो बैक टू बैक एग्जाम्स होते हैं, मॉर्निंग का 3 घंटा 9 to 12 एक एग्जाम होगा, फिर 12 to 5 एक एग्जाम होगा, तो टोटल 6 आवर्स की राइटिंग करनी होती है एक दिन के अंदर और लगातार वो 3-4 दिन चलता है। तो उस टाइम पे जो जो कैपेबिलिटी है जो याद करने की वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होती है, बहुत वो याद रहता नहीं है पेपर के बीच में, क्योंकि 20 क्वेश्चंस आपको 3 घंटे के अंदर लिखने हैं और 6 घंटे लिखना है एक दिन के अंदर, तो वो थोड़ा सा इशू क्रिएट करता है जो आप बोल रहे हैं ना कि कैसे याद रखते हैं। तो उसके लिए स्ट्रेटजी ये है कि मैंने पहले बताया कि मैं और मेरे रूममेट ने मिलकर के वो जो डेटा फैक्ट्स इकट्ठा किए थे टॉपिक वाइज, जैसे वेमेन के ऊपर है, एजुकेशन के ऊपर है, बेसिक हेल्थ डेटा है, बेसिक इंटरनेशनल रिलेशंस का डेटा है, तो उसको एक जगह इकट्ठा कर लिए थे हम लोगों ने। और जब भी आप टेस्ट सीरीज लिखी, जैसे मैंने फोरम आईएएस की टेस्ट सीरीज लिखी, तो जब भी आप टेस्ट सीरीज लिखें तो यूज दो डेटा इन द टेस्ट पेपर इट्स, तो उससे ये होता है कि आपका जो डेटा अगर आपने किसी एक पेपर के अंदर यूज कर लिया तो डेटा आपको याद रह जाता है क्योंकि एग्जामिनर उसको अप्रिशिएट करता है पेपर के अंदर। तो उसकी बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि आप उसको रिवाइज करते रहे डेटा को और पेपर के अंदर जो टेस्ट पेपर आप लिख रहे हैं उसमें यूज करते रहे उन डेटा को, ठीक है।
और इसमें एक और भी चीज है कि जब पेपर देने जाए, जैसे 9 to 12 एग्जाम है आपका कल, तो जस्ट पेपर के पहले आप उस डेटा को गो थ्रू भी कर लेंगे, तो वो डेटा रफली आप यूज कर पाएंगे पेपर देने में। तो अभी तक हमने बात की स्ट्रेटजी पे, प्रीलिम्स पे, करंट अफेयर्स पे और मेंस की स्ट्रेटजी और प्रिपरेशन पे। अब बढ़ते हैं हम अपने इंटरव्यू स्टेज के तरफ। तो आपने जैसे यूपीएससी 2019 का इंटरव्यू दिया था और उसके बाद फिर यूपीपीसीएस का भी इंटरव्यू दिया, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या थी दोनों में और कैसे आपका यूपीएससी का जो एक्सपीरियंस था वो यूपीपीसीएस में मदद किया? देखिए, जो इंटरव्यू स्टेज है वो मेंस क्वालिफाई करना अपने आप में एक बहुत ज्यादा हैप्पीनेस लेकर के आता है, क्योंकि मेंस क्वालिफाई करने के बाद आपको ये लगने लगता है कि हाँ आप मतलब सेलेक्ट होने की रेस में हैं। अगर आपका मेंस क्वालिफाई नहीं होता है तो फिर यू आर आउट ऑफ द रेस। तो इसमें जब भी मेंस का रिजल्ट आता है और उसके जो और इंटरव्यू के बीच का जो गैप है वो यूपीपीसीएस में काफी कम था इस बार, हार्डली 10 days और 15 days का गैप था, लेकिन यूपीएससी में वो गैप जनरली ज्यादा होता है। तो जब मैंने 2019 में यूपीएससी सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दिया था, तो उस टाइम पे क्या था कि मैं फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहा था, उससे पहले मेरे बहुत ज्यादा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था नहीं। तो मैंने उस टाइम पे कोचिंग जो सेंटर्स हैं यहाँ पे दिल्ली के अंदर उनके मॉक्स वगैरह अटेंड किए थे, बट उससे क्या हुआ था कि उससे बहुत ज्यादा प्रिपरेशन अप टू द मार्क हो नहीं पाई थी, क्योंकि बोलने की प्रैक्टिस वगैरह जो होती है वो बहुत ज्यादा हो नहीं पाई थी उसमें। तो उसका रिजल्ट ये था कि जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो एक्चुअल जो इंटरव्यू था वो उसमें मेरे मार्क्स एवरेज ही आए, अबव एवरेज मार्क्स उसमें नहीं आए, ठीक है। हालांकि उसमें जो सिलेक्शन ना होने का मेन जो रीजन था वो मेंस में मेरे मार्क्स कम थे, उसकी वजह से नहीं हुआ था, बट फिर भी मैं इंटरव्यू में मुझे लगता है कि और अच्छा उसमें कर सकता था। यूपीपीसीएस और यूपीएससी की प्रीलिम्स सॉरी इंटरव्यू में जो एक मेजर डिफरेंस है वो मार्क्स का है। यूपीएससी जो सीएससी का इंटरव्यू के मार्क्स है वो 275 मार्क्स का होता है और यूपीपीसीएस के अंदर जो इंटरव्यू होता है वो 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस ये रहता है कि जो यूपीएससी सीएससी का जो इंटरव्यू होता है उसमें जनरली 5 मेंबर्स होते हैं, जबकि जो यूपीपीसीएस का जब मैं इंटरव्यू दे के आया इस बार तो उसमें 4 मेंबर्स थे। तो ये दो मेजर डिफरेंस होते हैं। बाकी जो इंटेंसिटी का जो डिफरेंस होता है वो तो होता ही है, यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज वाला इंटरव्यू थोड़ा सा हायर लेवल पे होता है। रही बात प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन में इस बार हम लोगों ने क्या किया था कि 6 लोगों का ग्रुप बनाया था हमारे ही फ्रेंड्स ने, और सारे लोग मिलकर के यूपीपीएससी के इंटरव्यू की तैयारी करते थे, डेली टॉपिक्स डिस्कस करते थे, आपस में मॉक्स लेते थे, और फॉर्चुनेटली उसमें से 3 लोगों का यूपीपीएससी के फाइनल रिजल्ट का सिलेक्शन हो गया। एक की रैंक चंद्रकांत की रैंक 5 है, मेरी रैंक 21 है, और एक मनोज और एक और लड़का है, उन दोनों की रैंक सर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से। ओके, तो इंटरव्यू में यूपीपीसीएस के मेजर क्वेश्चंस क्या रहे थे पैनल? देखिए, यूपीपीएससी इंटरव्यू में एक क्या है कि उसका क्राइटेरिया ये रहता है कि उनके पास आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म नहीं होता है जैसा कि यूपीएससी में रहता है। जनरली यूपीएससी के अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशन उनके पास रहती है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर बर्थ टू डेट ऑफ बर्थ टू फादर इंफॉर्मेशन टू मदर इंफॉर्मेशन, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका कम्युनिटी स्टेटस, सब कुछ रहता है, नाम भी रहता है। लेकिन यूपीपीसीएस के इंटरव्यू में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए अभी क्या किया गया है कि जो पैनल है उसके पास आपका ऑप्शनल रहता है और एक कोड रहता है, उसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन उनके पास होती नहीं है आपकी। तो यूपीपीएससी का जो मेरा इंटरव्यू था उन्होंने हालांकि मेरे से एजुकेशनल बैकग्राउंड पूछा था कि आपने कहाँ से पढ़ाई की है एक्सेट्रा वगैरह, तो मेरा जो इंटरव्यू चला था वो ऑप्शनल फील्ड डायरेक्शन में चला था कि हाउ विल यूज केमिस्ट्री इन एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन द जेनरिक मेडिसिन एंड ब्रांडेड मेडिसिन, ठीक है। उसके बाद मैं आईआईटी से पढ़ा हूँ तो आईआईटी के ऊपर कई सारे क्वेश्चन पूछे गए कि व्हाई आईआईटीज आर नॉट डूइंग गुड, Why IITs are not excelling in research? उसके अलावा एक क्वेश्चन आया था कि जो IITs की जो रैंकिंग वगैरह है वो वर्ल्ड लेवल पे मतलब क्यों नहीं इंप्रूव हो पा रही है, ठीक है। तो ज्यादातर केमिस्ट्री से रिलेट करके और IIT से रिलेट करके क्वेश्चंस मैं से पूछे गए यूपीपीसीएस के इंटरव्यू में। तो अभी जैसे आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि काफी कुछ रिटेन किया जाता है, हाइप बनाया जाता है इंटरव्यू को लेकर, तो रियलिटी में यूपीएससी हो या फिर यूपीपीसीएस के एग्जाम हो उसमें इंटरव्यू में वैसे सवाल पूछे जाते हैं?
देखिए जो सोशल मीडिया के जो इंटरव्यू हैं और वो जो एक्चुअल जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू है या यूपी पीसीएस के सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू है, उसमें मुझे लगता है कि एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन रहता है। जो सोशल मीडिया के इंटरव्यू बनाए जाते हैं जो मॉक्स पर्पज से होते हैं, वो खुद के जो इंस्टीट्यूट है उनके प्रमोशन के लिए भी किया जाता है, बट वहां पे क्या है कि जो एक्चुअल इंटरव्यू होता है वहां पे वो उतना ज्यादा आपको परेशान करने की कोशिश पैनल नहीं करता है, और बीच बीच में वो लोग हेल्प भी करते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो हेल्प करते हैं। जैसे मेरे से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि चेयरमैन सर ने ही पूछा था कि एसडीएम की पावर कहाँ से आती है, तो मेरे को उसका एग्जैक्ट आंसर पता नहीं था, तो उन्होंने बताया कि सीआरपीसी से और आईपीसी से एसडीएम अपनी पावर डिराइव करता है। तो बहुत ही ज्यादा एक अच्छा एनवायरमेंट रहता है और वहां पे वो लोग आपको सेलेक्ट करने के लिए बैठे हैं, आपको परेशान करने के लिए या रिजेक्ट करने के लिए या इधर उधर के क्वेश्चंस पूछने के लिए वो लोग बैठे नहीं होते हैं, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग बैठे होते हैं, अच्छे लोग बैठे होते हैं। और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस यूपीएससी में हो चाहे यूपीपीएससी में हो, दोनों में ही पैनल के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो आप सिविल नोट्सबुक से कैसे जुड़े और ये आपके प्रिपरेशन फेज में कितनी हेल्पफुल रही? देखिए आफ्टर मैंने 2019 का जब इंटरव्यू के बाद जब मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था तो मैं थोड़ा सा मतलब डिमोटिवेट हो गया था उस टाइम पे, तो उस टाइम पे मैंने कुछ लोगों को रीच आउट करने की कोशिश की, तो उस टाइम पे राहुल सर मुझे मिले और वहां से मेरा सिविल नोट्स के साथ मेरा जो एसोसिएशन है वो स्टार्ट हुआ जो कि अभी तक चल रहा है। जैसे कि लास्ट टाइम पे जब प्रीलिम्स था तो आपके टेलीग्राम चैनल के थ्रू या आपसे बात करते थ्रू, राहुल सर से बात करते थ्रू मेरे को कुछ कुछ कंटेंट पता चलते रहते थे, करंट अफेयर्स वगैरह इंपॉर्टेंट चीजें, तो एक इंटेग्रल पार्ट रहा है सिविल नोटबुक इस प्रिपरेशन में मेरे साथ। तो अब आप हमारे एस्पिरेंट को जो नए हैं या हमसे जुड़े हुए उनके लिए कुछ टिप्स या ट्रिक्स सजेस्ट करना चाहते हैं या फिर किस तरह से वो प्रिपरेशन में अगर डिमोटिवेटेड है या छोड़ना चाहते हैं या फिर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो रीस्टार्ट करना है उन्हें तो कैसे रीस्टार्ट करें, कुछ इस तरह की टिप्स और ट्रिक्स देना चाहते हैं हमारे एस्पिरेंट्स को? देखिए जो भी प्रिपरेशन फेज में एंटर कर रहा है कोई भी स्टूडेंट, या तो वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज हो या यूपी पीसीएस स्पेसिफिकली हो, तो उसके लिए मेरे को लगता है कि दो फंडामेंटल जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर होने चाहिए बहुत। एक फंडामेंटल क्वेश्चन है कि आप इस प्रिपरेशन को क्यों करना चाहते हैं, व्हाई यू वांट टू डू दिस प्रिपरेशन। इससे ये होता है कि कभी भी किसी भी स्टेज पे आपको डिमोटिवेशन होता है, डेली आप पढ़ते हैं, आप 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं डेली, अगर आप बीच में वो डिमोटिवेशन होता ही होता है, ये प्रिपरेशन का पार्ट है, तो उसको अगर आपका वाई स्ट्रांग रहता है ना कि वाई यू वांट टू डू दिस प्रिपरेशन, तो उसको टैकल करने में हेल्प मिलती है। दूसरा फंडामेंटल क्वेश्चन मैं ही कहूंगा कि उनको ये सोचना चाहिए कि अगर आपका इस प्रिपरेशन में अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुआ, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, यूपीएससी में भी नहीं हुआ, यूपी किसी स्टेट से सर्विसेज नहीं हुआ, तो आपके पास बैकअप ऑप्शन क्या है, ठीक है? ये बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है जो कि दिमाग को बहुत स्टेबलाइज करता है। इससे क्या होता है कि अगर आप 4-5 अटेम्प्ट्स देते हैं आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपके बैक ऑफ द माइंड चीजें चलने लगती हैं, आपकी एज बढ़ रही है, तो बैक ऑफ द माइंड चलता है कि अगर आप इससे निकल करके किसी दूसरे करियर की तरफ जाते हैं तो वो कितना ज्यादा वायबल करियर है आपकी तरफ, या आप इसको छोड़ करके किसी और प्रिपरेशन में एंटर कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो एक जो ये बैकअप वाला चीज है मुझे लगता है वो स्टूडेंट्स को शुरू से ही सोच के चलना चाहिए कि अगर मेरा इस प्रिपरेशन में नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। जैसे मेरा ये था कि अगर इस प्रिपरेशन में होता है सिविल सर्विसेज में या फिर यूपी पीसीएस में होता है तो ठीक है, अदरवाइज मेरे पास एक ऑप्शन था कि मेरे पास केमिस्ट्री ऑप्शन था, एक आईआईटी का बैकग्राउंड था, तो मैं कभी भी उस केमिस्ट्री और आईआईटी के टैग के साथ मैं किसी भी इंस्टीट्यूट या एकेडमिक बैकग्राउंड में मैं जा सकता हूँ, तो वो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी एक प्रोवाइड करता है जब भी प्रिपरेशन हम लोग करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपके फ्यूचर के लिए, आपको ऑल द बेस्ट, और आप कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हैं हमारे एस्पिरेंट्स के लिए? I sincerely thank you all, especially Civil Notebook for providing material, mentorship and being a support throughout this preparation. और last में मैं आपको भी thanks बोलना चाहूँगा जिससे आपने ये मौका दिया कि जिससे मैं future जो preparation करने वाले students हैं उनके लिए अगर मेरा ये video मेरी strategy कुछ काम आ सकती है तो वो मेरे लिए भी एक उपलब्धि हो। Thanks a lot.